गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट, आई एम ए कंप्यूटर टीचर फ्रॉम ड्रीम इंडिया स्कूल कुरुद। आई एम गोइंग टू लेसन नंबर 6, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसके बारे में समझते देखते हैं। यू विल लर्न, हमको पढ़ना है इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या है और क्या डिफरेंस देखेंगे। अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट को टेस्टिंग करेंगे। ऑड वन आउट, हमको देखना है तीनों इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑड और वन आउट। आइडेंटिफाइंग इवन एंड ऑड नंबर्स, हमको आइडेंटिफाई करना है इवन और ऑड नंबर को। इवन नंबर्स, इवन मतलब सम नंबर्स। अ नंबर इज सेड टू बी इवन इफ इट एंड्स विथ 0, 2, 4, 6, 8 और इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। जो भी 2 से डिवाइड होते हैं, जो भी डिजिट 2 से डिवाइड होते हैं, दिस इज कॉल्ड द इवन नंबर्स। जस्ट एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एसेक्ट्रा आर ऑल इवन नंबर्स। ये सभी क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। और बहुत सारे भी इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। ऑड नंबर्स, अ नंबर इज सेड टू बी ऑड इफ इट एंड्स विथ 1, 3, 5, 7, 9 और इफ इट इज नॉट डिविजल बाय 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होते, दैट इज कॉल्ड द ऑड नंबर्स। जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7, 9, दैट इज कॉल्ड द ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एसेट्रा और ऑल ऑड नंबर्स। सभी क्या ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं जाते हैं। एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड नंबर, इसमें से हमको ऑड नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 32, 84, 51, 48, दैट इज सी, 51 इज द ऑड नंबर। एक्सप्लेनेशन, द आंसर इज ऑप्शन सी, 51 एंड्स विथ एल एंड हैंस इज एन ऑड नंबर। ऑल द अदर नंबर्स आर इवन नंबर्स, सभी क्या इवन नंबर्स है, बस 51 इज द ऑड नंबर्स। चूज द करेक्ट आंसर, पॉइंट नंबर 1, विच ऑड नंबर कम्स बिफोर 35। 35 से जो भी ऑड नंबर आते हैं, 35 से पहले जो भी ऑड नंबर आते हैं, उस नंबर को हमको लिखना है, बताना है। ए इज अ 34, बी इज अ 33, सी इज अ 36, डी इज अ 37। 35 से पहले जो डिजिट आते हैं, जैसे 33, बी इज अ ऑड नंबर्स कम्स फ्रॉम 35। पॉइंट नंबर 2, विच इवन नंबर कम्स आफ्टर 80, हमको वो इवन नंबर बताना है जो 80 के बाद आते हैं, दैट इज जो 2 से डिवाइड होते हैं। ए नंबर इज अ 81, बी इज अ 78, सी इज अ 82, डी इज अ 83। 80 के बाद जो भी नंबर आते हैं इवन, दैट इज कॉल्ड द सी, सी इज द इवन नंबर्स। पॉइंट नंबर 3, फाइंड द ऑड नंबर अमॉन्ग द गिवन नंबर्स, हमको ऑड नंबर फाइंड आउट करना है कौन से ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर ए 80, पॉइंट नंबर बी 82, पॉइंट नंबर सी 83, पॉइंट नंबर डी 84। ऑड नंबर इज अमॉन्ग द गिवन नंबर्स, 83 इज अ ऑड नंबर्स, दिस इज डिफरेंस, नॉट डिवाइडेड 2। पॉइंट नंबर 4, विच इवन नंबर कम्स इमिडिएटली आफ्टर 17, कौन से इवन नंबर सबसे पहले आते हैं, जो 17 से पहले, आफ्टर मतलब 17 के बाद। ए इज 16, बी इज 18, सी इज 19, डी इज 20। बी इज 18, इज इमिडिएटली आफ्टर 17 के बाद हमारे पास 18 आते हैं, दैट इज आंसर बी। पॉइंट नंबर 5, विच ऑड नंबर कम्स आफ्टर 9, हमारे सबसे मतलब 9 के बाद कौन से ऑड नंबर्स आते हैं। 10 इज अ इवन नंबर, बी इज अ इवन नंबर, सी इज अ 11, डी इज अ 7। तो 9 के बाद सबसे पहले हमारा 11 आता है, ना कि 7 आता है। इज अ 11 इज अ ऑड नंबर, इज अ करेक्ट। अल्फाबेट टेस्ट, एग्जाम्पल इफ द अल्फाबेट इज रिटन बैकवर्ड्स विच लेटर विल बी इन द 15th पोजिशन, द आंसर इज एल। एल की पोजिशन 15 बता रहा है, जो इज अ अल्फाबेट में इज अ बैकवर्ड्स। जब हम उल्टा काउंट करते हैं तो
एलिजिबल 50 नंबर पे हमारा आता है। एक्सप्लेनेशन, व्हेन वी रीराइट द अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर इट विल अपीयर लाइक दिस, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल, जेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एल इज ए 15 पोजिशन बैकवर्ड साइड इज ए प्रूफ डेट। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जेड एंड स्टॉप व्हेन यू रिच 15 लेटर, यू कैन सी दैट द लेटर एल इज इन द 15 पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, देयरफॉर एल इज अ आंसर, एल का एक आंसर हो जाएगा क्योंकि 15 पोजिशन पर एल आता है जेड से जब हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। तो चूज द करेक्ट आंसर। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द 12th लेटर ऑफ द अल्फाबेट, 12th लेटर में हमारे अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है उसको देखना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया ओ, ऑप्शन नंबर बी पी, ऑप्शन नंबर सी क्यू, ऑप्शन नंबर डी एल। अब हम इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते देखते हैं कैसे कर देखते हैं। 12th पोजिशन में हमको एक लेटर बताना है, ए से काउंटिंग करना है और 12th पोजिशन जो लेटर आएगा उसको हमको बताना है। ए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमको इस 26 लेटर्स हैं, इसमें 26 में 12th नंबर का जो पोजीशन पर लेटर है उसे एक्सप्लेन करना बताना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एल इज ए 12th पोजिशन, तो 12th एल हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा क्योंकि एल हमारा 12th पोजिशन पे है। आंसर इज अ डी एल। पॉइंट नंबर 2, इफ द अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर इज इन द 25th प्लेस, हमको रिवर्स ऑर्डर में 25th नंबर के जो प्लेस पे है उस वर्ड्स को बताना है कौन है 25th प्लेस पे। यहाँ दिया ए, जेड दिया, बी दिया, वाई दिया, सी दिया ए, डी दिया बी। हमको उल्टे में बताना है कि 25 नंबर प्लेस पे कौन सा लेटर्स है। हमको काउंटिंग करना है रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 बी इज ए 25 पोजिशन, बी इज अ ट्रू, बी हमारा 25th नंबर पोजिशन पे है, दैट इज करेक्ट बी। आंसर इज द बी, ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट नंबर 3, विच लेटर अपीयर्स इन रेसिडेंट बट नॉट इन री इन्वेस्ट, हमारे जो इस लेटर में दिया है रेसिडेंट में वो कौन सा लेटर है जो नहीं है। ई इज अवेलेबल, वी इज अ नॉट अवेलेबल, डी इज अवेलेबल, एस इज अवेलेबल, डी इज अ कॉन्स्टेंट, दिस इज नॉट अवेलेबल इन रेसिडेंट, आंसर इज अ बी। पॉइंट नंबर 4, विच लेटर ऑक्यूज वंस इन एक्सरसाइज बट ट्वाइस इन सक्सेस, हमारे सामने जो दिया है इसमें कौन से लेटर जो एक्सरसाइज में डबल बार है उसे हमको बताना है, बट सक्सेस में जिस प्रकार सी डबल बार है, एच डबल बार, दिस इज ट्रू, ऐसे एक्सरसाइज में कौन सा लेटर डबल बार है उसको बताना है। सी, सी हमने देखा यहाँ पर सी वन टाइम है, ऑनली फॉर एक बार दिख रहा है। एस, एस इज वन टाइम, वन बार है, दिस इज नॉट ट्रू। आर, आर इज वन टाइम, इज नॉट ए ट्रू। ई, डी बी, ई इज ट्रू, टू टाइम्स इज अवेलेबल, दैट इज कंडीशन ट्रू, ई इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट नंबर 5, विच लेटर ऑक्यूज ट्वाइस इन पोटेटोस बट वंस इन सैलेड, जब भी हम लोग क्या करते हैं पोटेटोस यूज करते हैं तो उसमें कौन सा वर्ड साइलेंट हो जाता है उसको हमको बताना है। ई, ई इज अ साइलेंट वर्ड्स, ई इज अ साइलेंट वर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज अ ई, हमेशा पोटेटोस जब हम लिखते हैं तो ई इसमें साइलेंट हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।